मोदी सरकार की एक पॉलिसी से ट्रंप और अमेरिका में खौफ का माहौल दूसरे देशों को भारत के खिलाफ भड़काने पे लगा। अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया है कि वो अपने गेहूं और चावल किसानों को भारी मात्रा में सब्सिडी दे रहा है। इतना ही नहीं, उसने कहा है कि दूसरे देशों को भारत की व्यापार तोड़ने वाली पॉलिसी को लेकर चिंतित होने की जरूरत है। चीफ एग्रीकल्चर नेगोशिएटर ऑफिस के यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ग्रेट डॉर ने यह बयान एक कांग्रेस सम्मेलन याचिका के दौरान दिया है। डॉट ने कानून निर्माताओं को बताया है कि दुनिया भर में प्रत्येक चावल या गेहूं पैदा करने वाले देशों को भारत के ट्रेड डिजास्टर डेमोस्टिक सपोर्ट से होने वाले प्रभावों को लेकर चिंतित होना चाहिए। गौरतलब है कि मई में डॉट ने WTO की एग्रीकल्चर समिति को अमेरिका का पहला काउंटर नोटिफिकेशन दिया था, जहां चावल और गेहूं के लिए भारत की मार्केट प्राइस सपोर्ट पर चिंता जाहिर की थी। डॉट ने आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका का अनुमान है कि साल 2010 से 2014 के बीच भारत की ओर से चावल किसानों को प्रोडक्शन वैल्यू का 74% से 84.2% MSP सपोर्ट दिया गया, वहीं गेहूं किसानों को प्रोडक्शन वैल्यू का 60.1% से 68.5% MSP सपोर्ट दिया गया है, जबकि भारत के पास किसी एक कमोडिटी के प्रोडक्शन वैल्यू का केवल 10% तक सपोर्ट देने की अनुमति है। अमेरिका की परेशानी इसलिए भी है क्योंकि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा चावल निर्यात करने वाला देश है। उन्होंने कहा कि बीते 5 सालों में भारत ने $5.3 अरब से $8 अरब का चावल निर्यात किया है, जो कि दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा है। इसी दौरान भारत का वैश्विक गेहूं निर्यात $7 लाख से $1.9 अरब के बीच रहा।